Lonely, Ricky Baker. Yeah, yeah, yeah. Aquí soltamos tickets. हेलो जी, वेलकम बैक, स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम निकले हैं अपनी होटल से। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं ढूंढने स्कूटर रेंट के लिए। अब यहीं आसपास दो तीन हैं रेंट वाले, जाके ज़रा बात करते हैं उनसे, पूछते हैं कितने का दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या हिसाब है। और उसके बाद फिर हमारा प्लान है निकलने का टुलुम बीच की तरफ, जहाँ हम उस दिन गए थे, बारिश में भीग के आए थे। वहीं दोबारा जाने का सीन है, क्योंकि उस दिन तो रात को अंधेरा हो गया था, कुछ पता चला नहीं। तो आज थोड़ा रोशनी है, रोशनी में जाके देखेंगे। हाँ, पहले स्कूटर मिल जाए, उसके बाद फिर दो तीन चीज़ें माइंड में है हमारे, वो हम प्लान करते हैं कैसे कहाँ जाना है, और फिर आपको भी दिखाते हैं। Yes. Yes. How much? I have 500 pesos a day. Okay. For guarantee, we need passport. Passport? Only with passport. Okay. पहले स्कूटी वाले से पूछा था तो ये कहते हैं कि ये स्कूटी तो रेंटल देते हैं 500 पीसों की, बट पासपोर्ट रखते हैं अपने पास। और एक पीछे और पूछा था, वो पासपोर्ट नहीं रखते, वो 600 USD रखते हैं। वो पहले पूछा था हमने उस दिन। हाँ। तो अब देखते हैं, पहले खाना खा लें, उसके बाद देखते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जो भी डिश है बड़ी अच्छी है, कोई भी मेक्सिको है ये ज़रूर ट्राई करना। इसका बहुत है चिला किला। एक प्रो टिप, अगर मेक्सिको आओ और ये लोग आपको चटनियाँ दे, पूरा उस पर डालने से पहले उसको थोड़ा सा टेस्ट करो, थोड़ा सा। इनका स्पाइसी लेवल हम इंडियन से भी ऊपर, कई ऊपर, बहुत स्पाइसी। Enjoying life? Breakfast में ice cream? I'm loving it. Not ice cream, cake. Oh, sorry, my mistake, cake. So, हमने ये रेंट की है $700 700 पीसों एक दिन की। वो वाली थी जो थोड़ी सी गंदी सी दिख रही है, वो 500 की थी। ये थोड़ी प्यारी है, सनी कहता थोड़ी वो गंदी टूटी हुई है वो। हाँ, सनी कहता थोड़ी गुड लुकिंग चाहिए सनी को, तो इसलिए हमने 700 की दी है। उसने इसके पीछे एक्स्ट्रा डिक्की भी है ना, इसलिए हमारा डिपॉजिट लिया इन्होंने 2600 पीसों, और उसके बाद हमारे पास पैसे खत्म हो गए। बैंक के साथ में बैंक से पैसे निकलवाते हैं और घूमते हैं स्कूटी पे। वही हम अब पहुँचे हैं देखने मायन रुइंस। बेसिकली इसको बोलते हैं टुलुम आर्कोलॉजिकल एरिया, आर्कोलॉजिकल जोन, और ये मायन आर्कोलॉजिकल साइट है। यहाँ भी रुइंस हैं, बेसिकली पुराने खंडे जैसे हमने चिचन इत्सा में देखे थे, उस लेवल के नहीं बट थोड़े छोटे लेवल के हैं। यहाँ पे बेसिकली एक वॉल दीवार हुआ करती थी जो अब थोड़ी गिर गई है, बाकी अंदर काफ़ी अच्छे रुइंस देखे चलते हैं। और उससे पहले ये है कि यहाँ से 10 मिनट वॉकिंग है, हम स्कूटी भी आ रहे थे, उन्होंने यहाँ पे आवाज़ मांगे, हमें रुकवा लिया, बोला कि स्कूटी यहाँ पे लगा दो और इससे आगे नहीं जाते स्कूटी, और उन्होंने ले ली हमसे 50 पैसे पार्किंग के। और मैंने बोला कि पर्ची दो पार्किंग की, भाई इतना पर्ची तो इंडिया में मिलती होती है पार्किंग की, कहते कोई पर्ची नहीं है, कहते यहाँ पे कैमरे लगे हैं, यहाँ पे सब सेफ है, कोई कहीं कुछ नहीं आता। हमें कहते हैं पता है आपको, पता है हमने कहाँ लगाई है, यहाँ से हिलेगी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चले अंदर की तरफ, वहाँ पर अब 10 मिनट वॉक।
soñamos todo el día acá. Y tráete una amiga acá. अंदर जाने की रुइंस देखने की टिकट है और हम लोग टिकट लेने की लाइन में लगे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, 30 degrees है और पानी में घुसने का मन कर रहा है। बट पहले ये देखते हैं, उसके बाद अगर बीच पे चलते हैं। $80 की टिकट है, 80 pesos की, आई मीन एक बंदे की एंट्री की अंदर। चलो तो फिर जैसे अपने US और कनाडा में होते हैं एबोरिजिनल्स, या जिन्हें बोलते हैं नेटिव इंडियंस, जैसे वो लोग थे वैसे ही यहाँ पे थे मेक्सिको में मायंस। ये उन्हीं की बनाई हुई सिटी है। इट गोज बैक टू 800-600 AD। और ये जो सिटी है ये बिल्कुल ओशन के साइड पे है, बिल्कुल ही बीच पे है। बेसिकली ये जो पोर्ट, ये एक बेसिकली पोर्ट था पुराने ज़माने में जब होती थी ट्रेडिंग। यहाँ पे लोग आया करते थे होंडुरास, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, उस साइड से यहाँ पे लोग आया करते थे ट्रेड करने के लिए। और कुछ टाइम बाद जब यहाँ पे स्पेन वाले लोगों ने यहाँ पे कॉलोनाइजेशन शुरू करी, तो उन्होंने यहाँ पे तुलुम के अंदर लाके एक कोई एक डिजीज़ छोड़ा था, उससे यहाँ की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। और 70 साल तक यहाँ पे कोई इनहैबिटेशन नहीं थी, बिल्कुल ही अबैंडन थी ये जगह। उसके बाद फिर जाके यहाँ पे दोबारा लोग रहने शुरू आने हुए। इस जगह को पहले बोला करते थे जामा, जिसका मतलब है डॉन, यानी कि सुबह। फिर उसके बाद कोई एक एक्सप्लोरर यहाँ पे आया था, जब वो यहाँ पे आया था उसने इस जगह का नाम टोलम रखा था। और टोलम का मतलब है बॉल, क्योंकि यहाँ पे थी बड़ी बड़ी बॉल्स, जो कि आजकल नहीं है, बट ये है कि रोइंस यहाँ पे अभी भी हैं उस सिटी के। वो जो बोट जा रही है ना, ये जब हम एंटर किए थे जहाँ हमने स्कूटी खड़ी करी थी ना, वहाँ टूर दे रहे कितने कि अंदर जाने का, अंदर टूर गाइड, हिस्ट्री गाइड, ये सारा कुछ। उसके बाद ये बोट पे लेके जाएंगे अंदर स्नॉर्कलिंग कराने। तो ये सारा ट्रिप के हमें बोल रहे थे 700 pesos, बट हमने कहा कि हम खुद ही कर लेंगे। स्नॉर्कलिंग का अलग से टूर लेंगे, बट ये आधे घंटे की स्नॉर्कलिंग कराएंगे। आधे घंटे में क्या कर लेगा बंदे, कपड़े पहनेगा या फिर अंदर पानी में जाएगा? सो उसका टूर अलग से लेंगे। नज़ारों के मजे ले रहे हैं। यहाँ पर पहले नीचे जाने की जगह थी, अब बट बंद कर दी है लगता है। ये रास्ता देख रहे हैं पीछे मुड़ के, टेढ़ा टेढ़ा तक रहा, टेढ़ा टेढ़ा तो टेढ़ा टेढ़ा तक रहा है तू। वही रोज़ हम घूम लिए हैं, अब यहाँ से हम निकले हैं बाहर। यहीं पे एक रास्ता जाता है बीच एरिया के लिए, जो कि यहाँ का एक्चुअल प्लाया बीच है। अब हम उस साइड जा रहे हैं चल के। अगर हम साइकिल लाए होते तो हम साइकिल पे अंदर तक जा सकते थे, पर यहाँ पे स्कूटी हमें भारी रखवानी पड़ी। और अभी सीन ये है यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ घूमना है तो इट्स बेटर कि सुबह सुबह आओ, भीड़ कम होगी, गर्मी भी कम होगी। इस टाइम भीड़ बहुत थी, गर्मी तो। हम आए थे यहाँ पे 2 बजे, पहुँचे थे हम यहाँ पे, और अभी 4 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे हमने यहाँ पर लगा दिए घूमने के लिए। तो अगर आपको हर चीज़ अच्छे से देखनी है तो एटलीस्ट 2 घंटे ना चाहिए चाहिए। वही मैडम पहुंच गई पानी में, मैं खड़ा हूं बाहर, मेरा मूड नहीं था अंदर जाने का। ये
वो वहाँ पे ऊपर है रोयंस, जहाँ पे हम अभी थे थोड़ी देर पहले। तो हम आ गए यहाँ बीच पे, इतना दूर चल के। So how was your dip? मजा आ गया गर्मी के अंदर पानी में जाके, सूख भी गई। चावल हम लोग अपनी स्कूटी में छोड़ आए थे, बट मजा आ गया। तेनू भी आना चाहिए, यू शुड हैव कम। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो एक कहानी ये हो रही है कि अभी बज रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 5, और जितने भी यहाँ पे सिनोतेज हैं आसपास सारे 5 बजे बंद हो जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि अब हम चलें। जो बेसिकली क्या है कि टुलुम 2 एरियाज हैं, एक है डाउनटाउन एरिया जिसको सेंटर बोलते हैं, सेंट्रो, और एक है बीच एरिया। बीच एरिया वो वाला एरिया जहाँ पे बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं और महंगे वाले होटल्स हैं और बहुत ही एक्सक्लूसिव वाला मामला है, तो वो अलग है। वो बिल्कुल बीच साइड पे है। बेसिकली यहाँ के बीचेस पब्लिक हैं, बट काफ़ी सारा एरिया जो है वो होटल्स ने कवर कर रखा है। तो जो बीच का एक्सेस है वो बेसिकली होटल्स के थ्रू निकलता है, होटल्स कह लो, रेस्टोरेंट्स कह लो। तो हम जा रहे हैं उस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ जाके देखते हैं, थोड़ा बैठते हैं आराम से कहीं पे, थोड़ा कॉफ़ी शॉफी पीते हैं। अच्छे हैं टूर में, बीच में ताशु ये लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं अपना फेस्टिवल ऑफ डेड। ये लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल ऑफ डेड, तो इसलिए इनके यहाँ ना हर सुविनियर और वो अपना कंकाल की फ़ोटो वगैरह मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलती है मैंने देखा पीछे देख। हाँ कंकाल, ये इनका पूरा फेस्टिवल होता है डेड लोगों का, निकल चुका वो आई गेस नवंबर में होता है, 15 नवंबर शायद। खड़ी होगी या नहीं होगी खड़ी, आओ देखें। स्कूटी नहीं है, अच्छा चल बट कोई बंदा नहीं है, कोई परिंदा नहीं है, कोई भी ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन बाइक चला के भी हम इसी रास्ते में आए थे, यहाँ पर सनसेट देखा था, यहाँ पे वहाँ पे साइकिल चला के, जिस दिन बारिश हो गई थी। हाँ, और जिस दिन बारिश हुई थी, अब हम बाइक से उसके लाइक मोटरसाइकिल भी नहीं है, स्कूटी पे उससे भी आगे जाएंगे, देखते हैं आगे क्या है। और अभी हम चल रहे हैं होटल जोन वाली रोड पे, जहाँ पे दोनों साइड पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं। और पर ये रोड थोड़ी तंग सी थी और इतनी सही नहीं थी क्योंकि इसमें काफ़ी गड्ढे थे, बट स्टिल वी एंजॉय द राइड। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसका रीज़न आपको अभी पता चलेगा। तो ये हम थे उस वाली रोड पे जहाँ पे हम देख रहे थे होटल्स बढ़िया बढ़िया, पर वहाँ पे हमारे फ़ोन की होगी बैटरी ख़त्म। उसके बाद जो हम लेके आए थे एक्स्ट्रा चार्जर वो भी रूम पे रह गया। फिर उसके बाद हम नीचे निकवा से निकले, थोड़ा खाना खाया, घूमे फिरे। अभी हम मेक्सिको में जो टुलुम में मेन की रोड है यहाँ पे, वो वाली रोड नहीं, डाउन टाउन वाली रोड, उस वाले एरिया पे घूम रहे हैं। यहाँ पे अच्छी अच्छी मार्केट है, अच्छी अच्छी दुकानें हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, पर अभी थोड़ा घूमते हैं और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम टुलुम।